Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we will have a discussion and practice question on indirect cost variances. Indirect cost के अंदर हम लोग जो है वो factory overhead cost को discuss करते हैं और आज हम लोग जो है वो factory overhead के अंदर जो variable factory overhead होते हैं उनके cost, उनके variances कैसे calculate करते हैं और उसके बाद fixed जो overheads होते हैं उनके variances कैसे calculate करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। जो पहला पार्ट था लेक्चर का जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरियंसेस में जिसमें वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस है उसमें दो वेरियंस हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस जिसको हम लोग वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस भी कहते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो कैलकुलेशन कैसे होती है वो एक मैंने इलस्ट्रेशन के जरिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है उस वीडियो के अंदर। आपने होप सो उसको देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो आप काइंडली उसको जो है वो देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस के ऊपर बात की जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस में हम दो वेरियंस कैलकुलेट करते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस या एक्सपेंडिचर वेरियंस भी कहते हैं इसको और दूसरा जो है वो हम लोग वॉल्यूम वेरियंस या इसको हम लोग आइडल कैपेसिटी वेरियंस भी नाम देते हैं। तो ये दो वेरियंसेस फिक्स्ड के और दो वेरियंसेस हम लोग वेरिएबल ओवरहेड के कैलकुलेट करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन वेरियंसेस को कैलकुलेट करते हैं और उनको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं और वो और उसको हम लोग किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन जो है वो एक एक्सरसाइज जो है वो सिलेक्ट की है जिसमें मैं आप लोगों को वही वाली जो कॉन्सेप्ट है वो उस एक्सरसाइज के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है इसके अंदर भी मैंने ये दो एक्सरसाइजेस करवाई हैं वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ बाद में जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा। तो अभी मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजेरियल एम्फेसिस बाय चार्ल्स टी हॉर्नग्रेंड की जो बुक है उसमें से मैंने दो एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है जिसमें हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के वेरियंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ फिर हम लोग जो है वो उसका जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे आपके साथ मिलके। हियर इज द क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 818 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे और द फ्रेंच ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेक्स बैगेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अपस्केल ग्रोसरी स्टोर्स। बैगेट्स उनका जो है वो एक प्रोडक्ट है जो कि वो बेकरी का एक प्रोडक्ट है और वो ग्रोसरी स्टोर्स को प्रोवाइड करते हैं। कंपनी हैज टू डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरीज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। दो उनकी डायरेक्ट कॉस्ट हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स और जो वेरिएबल ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं वो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर की बेसिस के ऊपर एलोकेट किए जाते हैं। मीन ओवरहेड जो है वो बेस कर रहे होते हैं लेबर आर्स के ऊपर। फॉलोइंग इज द बजट डाटा फॉर द फ्रेंच ब्रेड कंपनी। उनका जो बजट डाटा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर यूज जो है वो 0.02 आर पर बैकवेट जो है वो यूज करते हैं। मीन पर यूनिट उनका जो आर्स लगते हैं वो 0.02 आर्स हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10 पर डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर है, 10 पर आर जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड लगाते हैं। ये उनका जो है वो वेरिएबल ओवरहेड रेट है। ये वेरिएबल ओवरहेड के लिए जो आर्स होते हैं वो हैं 0.02 पर यूनिट और ये उनका जो है वो पर आर उनका वेरिएबल ओवरहेड का रेट है। फ्रेंच ब्रेड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल डाटा। उन्होंने जो प्लान किए हैं जो उनके बजटेड यूनिट्स हैं जो उनकी बजटेड आउटपुट है वो है 32 लाख बैकवर्ड्स जो हैं वो 32 लाख यूनिट जो हैं वो उन्होंने प्लान किए हुए हैं पूरे साल के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने की एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई है साल के अंदर वो है 28 लाख यूनिट की। ये बैकवर्ड उनका यूनिट है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर उनके जो है वो लगी है 50,400 घंटे
और एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उनके बने हैं 6,80,400 के, ये उनके एक्चुअल ओवरहेड्स आए हैं। व्हाट इज द डिनोमिनेटर लेवल यूज फॉर एलोकेटिंग वेरिएबल ओवरहेड, उन्होंने कह दी कि आप डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए, आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिनके बेस के ऊपर आप एलोकेट कर रहे हैं उसकी आप अमाउंट निकाल लें। मीन हम चूंकि मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप ये बताएं कि वो जो बजट करने के लिए आपके पास बजटेड मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर्स हैं वो कितने हैं, ये आप कैलकुलेट करें। तो चलें हम लोग इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट नंबर वन देखेंगे, ये है एक्सरसाइज हमारे पास 8.18 और उसका पॉइंट नंबर वन है, यहां पे हम लोगों ने बजटेड लेबर आर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, विच इज द डिनोमिनेटर लेवल ऑफ लेवल डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी है मीन जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो FOH रेट निकालते हैं, ऑन विच बेसिस वी कैलकुलेट FOH रेट्स, ये वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है जिसकी बेस के ऊपर हम FOH रेट निकालते हैं। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बजटेड लेबर आर्स, ये बेसिकली उसकी डिनोमिनेटर लेवल एक्टिविटी है, ये बराबर होगा बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। एक यूनिट पे कितने स्टैंडर्ड आर बजटेड आर्स लगते हैं उनको जब हम लोग बजटेड यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें जी हमारे क्वेश्चन के अंदर जो इसके बजटेड आर्स थे जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है जी बजटेड आर्स हैं 32 लाख के, प्लैंड और बजटेड आउटपुट जो है वो 32 लाख की है और हम लोग जो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी ये 32 लाख मल्टीप्लाई बाय हमने पर आर पर यूनिट जो है वो कितने आर्स लगते हैं, तो ये देखिए ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर यूज वो है जी 0.2 पर यूनिट, 0.02 पर यूनिट जो है वो इनकी वो जो है वो बजटेड आर्स पर यूनिट हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.02। जब आप 0.02 के साथ 32 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 64,000 आर्स। ये 64,000 आर्स जो हैं वो हम ये कहते हैं कि ये बजटेड एक्टिविटी है या बजटेड लेबर आर्स हैं जो कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर वन में कैलकुलेट करना थे। अब आ जाता है जी रिक्वायरमेंट नंबर टू क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर टू को देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर टू में उन्होंने कहा है प्रिपेयर अ वेरियंस एनालिसिस ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपने वेरियंस एनालिसिस करना है और आपने उन्होंने कहा जी एग्जिबिट 8.4 में हमें जो दिया गया है हमने उसका। अब देखिए बेटे अगर हम लोग वेरियंस एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट नंबर टू क्या है, वेरियंस एनालिसिस ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वेरियंस एनालिसिस करने के लिए हम लोग बेटे तीन वेरियंसेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन पहला वेरियंस होता है जिसको हम कहते हैं स्पेंडिंग वेरियंस, इसको हम लोग वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस भी कहते हैं और फिर दूसरा हम वेरियंस कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, इन दोनों का जो बेटे नेट इंपैक्ट आता है, इन दोनों का जो टोटल आता है इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, इसको हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस भी कहते हैं या इसको हम लोग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अच्छा इसको फ्लेक्सिबल बजट
variance for variable manufacturing overheads, ये भी कहते हैं. ये है basically variable manufacturing overheads total. मैं इसको लिख देता हूं पूरा करके ताकि आपको समझ आ जाए. variable manufacturing overhead variance, that is total. टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरियंस, इसी को ही हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरियंस फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं. और ये बेसिकली सम अप होता है स्पेंडिंग वेरियंस का और एफिशिएंसी वेरियंस का, जैसे हम लोग लेबर के अंदर भी करते थे, जैसे हम लोग मटीरियल के अंदर भी करते थे. तो ये बेसिकली एक उसका जो है वो वेरियंस एनालिसिस मॉडल है फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए. इनको हम लोग कैलकुलेट करना सीख लेते हैं कि इनको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे. पहले हम लोग करते हैं जी स्पेंडिंग वेरियंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद एफिशिएंसी वेरियंस को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन दोनों को सम अप करके हम लोग जो है वो इसके वेरियंस को जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे. ओके जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी स्पेंडिंग वेरियंस, या फिर हम लोग इसको वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस. वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस बराबर होगा एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट को आप फर्क आप निकालते हैं. अब ये जो रेट है ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल ओवरहेड रेट लेना है. लेबर के अंदर ये लेबर रेट आता है, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड रेट आता है, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं तो वहां पे फिक्स्ड ओवरहेड रेट आता है. इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने एक्चुअल वेरिएबल रेट लेना है, या मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो AVR लिख सकता हूं, एक्चुअल वेरिएबल रेट माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट. एक्चुअल वेरिएबल रेट माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क. जैसे हम लोग लेबर रेट वेरियंस कैलकुलेट करते हुए भी एक्चुअल आर वर्क लिखते थे. तो इस फॉर्मूला में और लेबर वाले फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, यही सेम वाला फॉर्मूला था, सिर्फ हम लोग वैल्यूज डिफरेंट यूज करते हैं. अब एक्चुअल वेरिएबल रेट क्या है, एक्चुअल वेरिएबल रेट देखने के लिए हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चन पे जाते हैं. तो आप देखेंगे कि हमें एक्चुअल वेरिएबल रेट जो है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल वेरिएबल रेट निकाल सकते हैं. जैसे ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर्स उन्होंने दिए हुए हैं और एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी दिए हुए हैं. तो टोटल ओवरहेड को जब हम टोटल आर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमें पर आर जो है वो रेट आ जाएगा. तो ये एक्चुअल रेट हम इन दोनों को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, 680,400 और 50,400 के साथ. तो मैं इन्हीं को यूज करके क्या करता हूं कि एक्चुअल वेरिएबल रेट बराबर होगा किसके, एक्चुअल वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क. अब इसमें से देखें अगर आप लोग तो ये आ जाता है बेटे हमारे पास जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ये मैं लिखने जा रहा हूँ 680,400 और 50,400. तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 680,400 और डिवाइडेड बाय 50,400. और अगर आप लोग 680,400 को 50,400 पे डिवाइडेड बाय 50,400 तो ये बराबर आ जाएगा जी 13.5 per hour. 13.5 per hour जो है वो इसका एक्चुअल रेट आ गया. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 13.5 ये पर आर आ गया. माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट जो है वो हमें वो गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. यहाँ पे आप देखें प्लीज, ये जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट जो है वो है 10 पर डायरेक्ट मशीन मैन्युफैक्चरिंग लेबर आर. तो ये 10 जो है रेट जो है वो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड रेट है. तो ये स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट है वो है 10, और इन दोनों का जो फर्क होगा इसको जब हम एक्चुअल आवर्स वर्कड, और एक्चुअल आवर्स वर्कड आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, ये है 50,400 के. तो ये मैं वहां पे यूज कर लूंगा 50,400 की फिगर को.
और इस तरीके से मैं जब इन दोनों का फर्क निकालूंगा तो ये आ जाएगा जी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 50,400। तो इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो फर्क आ गया, 50,400 को मल्टीप्लाई करूंगा 50,400 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो ये आ जाएगा जी 1,76,400। अब ये वाली जो है इसकी अमाउंट आ गई, और ये बेसिकली फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल देखने के लिए आपको वही वाली लॉजिक यूज करनी है जो आप लेबर में करते थे, जो आप मटेरियल में करते थे। हम ये कहते थे कि जो अलाउड रेट है वो है 10, लेकिन जो एक्चुअल रेट आया है वो आया है 13.5। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो अनफेवरेबल है, ये हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल आएगा, बिकॉज एक्चुअल रेट इज मोर देन बजटेड रेट और एक्चुअल रेट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेट्स, दैट्स व्हाई दिस इज 1,76,400 इज अनफेवरेबल। तो इस तरीके से आप इस अनफेवरेबल वेरियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने जो है वो कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप इसके कमेंट आप कैसे करेंगे, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे? इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लिखते हैं जी के द कंपनी हैज ओवर एक्सपेंस्ड ऑफ $1,76,400 बिकॉज its allowed rate for variable manufacturing overhead was 10, but they actually pay rate 13.5, which resulted into extra payment of 3.5 per hour. This extra payment has resulted into an unfavorable, a favorable variable overhead spending variance of 1,76,400. इस एक्स्ट्रा पेमेंट की वजह से क्या हुआ है कि उनका 1,76,400 से अनफेवरेबल जो है वो वेरिएंस आया है। इन दिस वे यू कैन कमेंट और एक्सप्लेन दिस फिगर कि आपने ये जो अभी आपने 1,76,000 की जो फिगर निकाली है वो अनफेवरेबल है, और उसको आप एक्सप्लेन जब करने जाते हैं तो आप इस तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो मैंने आपको जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस की जो है वो कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पेंडिंग वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हो और उसको जो है वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वो इस तरीके से आपका एक्सप्लेन हो जाता है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दूसरा पार्ट जो होता है हमारे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का बेटे फॉर्मूला होता है जो है वो एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे हम लोग जो है वो
अपने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जो दो आर्स यूज करते थे बिल्कुल सेम वही वाले आर्स यहाँ पे भी यूज होंगे, एक्चुअल वार्स वर्क्ड और स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट के साथ। अभी आप ये देखो जी कि एक्चुअल आर्स वर्क्ड आपको हम क्वेश्चन में दिए गए हैं जो आपके हमने यहाँ पे भी यूज किए हैं वो है 50,400, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 50,400 माइनस अलाउड आर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए हम लिखते हैं जी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। देखिए जी हमें पास एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल जो प्रोडक्शन की है वो की है 28 लाख यूनिट्स की, तो मैं 28 लाख यहाँ पे लिख देता हूं। यह है जी 28 लाख मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट जो है वो अभी मैंने शुरू में जब रिक्वायरमेंट नंबर वन किया था तो उसमें लिखा था ये है 0.02, ये भी मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन है तो ये 0.02 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 28 लाख को जब मैं 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा जी 56,000 आर्स जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड है जो कि अलाउड है मुझे फॉर एक्चुअल आउटपुट। मुझे 28 लाख यूनिट बनाने के लिए 56,000 लेबर आवर्स चाहिए थे तो ये मुझे स्टैंडर्ड आवर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 56,000 आवर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड रेट के साथ, दैट इज 10 पर आवर जो कि मुझे गिवन है। इन दोनों का जब मैंने फर्क लिया 50,400 का और 56,000 का, तो इसका जो फर्क आता है वो मैं यहाँ पे है जी 5,600 का, और मल्टीप्लाई बाय जब मैं 10 करूंगा तो ये आ जाएगा दोनों को मिला के 56,000 डॉलर्स की जो अमाउंट है ये मेरी जो है वो फर्क आ गया। अब ये जो फर्क है ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो आप जरा गौर करें कि आर्स एक्चुअल आर्स वर्क्ड हैं 50,000 लेकिन जो अलाउड आर्स हैं वो 56,000 हैं, मीन हमें अलाउड ज्यादा हैं लेकिन एक्चुअली हमने काम कम किया है, मीन हमने जल्दी खत्म कर लिया है, कम आर्स लगाए हैं, इसलिए ये एक फेवरेबल सिचुएशन है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे फेवरेबल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है देयर इज 56,000 फेवरेबल वेरिएंस ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इट इज because we have saved या company has saved 5600 hours in completing 28 lakh units of output। उन्होंने 5600 आर्स बचाए हैं 28 लाख की जो उनकी आउटपुट थी, जो एक्चुअल आउटपुट थी उसको करने में। एक्चुअली दे हैव टू कंप्लीट दीज units in 56,000 hours, but they completed them in 50,400 hours, resulting into saving of 5600 hours
which ultimately saved variable manufacturing overheads by 56,000. उन्होंने अल्टीमेटली 56,000 के एक्सपेंसेस क्या किए हैं, सेव किए हैं. और अगर इसको दूसरे तरह से लिखूं, द कंपनी एक्चुअली सेव्ड अ कॉस्ट ऑफ $56,000 इन variable manufacturing overheads due to saving the labor hours. उन्होंने अपने labor hours को save करके 56,000 की cost को क्या किया है, save किया है, जो कि उनको करनी चाहिए थी 56,000 hours में complete, लेकिन उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया 50,400 आवर्स में. और इस तरीके से उन्होंने 5600 आवर्स जल्दी काम कर लिया और उससे उनकी कॉस्ट बच गई 56,000 की. तो इस तरीके से आप इस वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं. अब आ जाती है जी इसका, इसके बाद तीसरा जो वेरिएंस होता है इन दोनों का जो है वो टोटल होता है, जिसको हम लोग टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का नाम देते हैं. अब टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बराबर होगा वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस प्लस इसमें करेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. अच्छा, अब आप देखें जी ये वाला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो था हमारे पास. अच्छा, मैंने ये दोनों का टोटल जो है वो इस तरीके से आता है और ये इसके जो है वो सारी मैंने लॉजिक जो है वो आपको जो वीडियो शेयर की थी उसमें समझाई हुई है. तो अगर मैं इन सारे के फॉर्मूलाज इसमें लिखूंगा तो ये मेरे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा. वो मैं उस तरीके से भी आपको बताता हूं कि वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस निकाला था 176,400 अनफेवरेबल. ये मैं लिख लेता हूँ 176,400 अनफेवरेबल और प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस अभी जो हम लोगों ने निकाला है वो है 56,000 फेवरेबल. तो ये मैं लिखता हूँ 56,000 फेवरेबल. अब एक अनफेवरेबल है और एक जो है वो फेवरेबल है. इन दोनों में चूंकि उलट हैं ये एक दूसरे के, तो इसलिए हम लोग इनको नेट करेंगे, इनका जो है वो आपस में ये माइनस होंगे. और इस लिहाज से मैंने जब इन दोनों का नेट इंपैक्ट निकाला 176,400 माइनस करूंगा 56,000 को, तो ये बराबर आ जाता है जी 120,400. 120,400 की ये फिगर आ जाती है. और ये क्योंकि अनफेवरेबल बड़ी फिगर है तो इसलिए यहाँ पे भी अनफेवरेबल मैं लिख दूंगा इसके साथ भी. तो इस तरीके से आप जो है वो ये टोटल वेरिएंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला के जरिए से करता हूं तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है ये बराबर होता है बेटे टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स अलाउड. टोटल वेरिएबल ओवरहेड अलाउड कितने थे और एक्चुअल कितने थे. एक्चुअल का वाला फॉर्मूला है एक्चुअल वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स माइनस टोटल वेरिएबल ओवरहेड अलाउड क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड. ये जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मैंने अभी आप लोगों को पिछले वाली कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके बताया है. एक्चुअल वेरिएबल रेट अभी हम लोगों ने शुरू में कैलकुलेट किया था, दैट इज 13.5.
और एक्चुअल आवर्स हमने दिए हुए 50,400, तो मैं इनको लिख लेता हूं 13.5 मल्टीप्लाई बाय 50,400, और इसी तरह स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट भी हमें दिया गया है दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। तो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है, जो दूसरी वेरियंस एफिशिएंसी वेरियंस में ये 56,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56,000 को। ओके, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 50,400 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 13.5 के साथ, तो ये आ जाता है जी 50,400 को मल्टीप्लाई किया 13.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 680,400 माइनस इसमें से 560,000 करूंगा, तो 680,400 में से 560,000 का मैंने किया, तो ये आ जाएगा जी 120,400 की फिगर आ गई। और ये अनफेवरेबल है कि फेवरेबल है, ये देखिए जी एक्चुअल एफओएच जब अलाउड एफओएच से ज्यादा होंगे, मीन अलाउड थे हमें करने चाहिए थे 560,000, लेकिन हमने किया एक्चुअली खर्चा 680,000, तो ये उसकी वजह से क्या आ गया जी, ये अनफेवरेबल आ गया। तो इस तरीके से आप इसको अनफेवरेबल कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के जरिए से भी। लेकिन अगर आप लोग वो वाले दो वेरियंस निकाल लेते हो, रेट वेरियंस और एफिशिएंसी वेरियंस, तो उन दोनों को आप जब आप नेट ऑफ करोगे तो तभी भी आपका यही टोटल वेरियंस निकलेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। कुछ चीजें बेटे जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इजाफी करवाता हूं, तो एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लें कि इसकी इजाफी है, कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हर एक वेरिएंस जो है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है जी, अब इसमें है द कंपनी हैज सेव्ड अ कॉस्ट ऑफ 1,20,400 in variable manufacturing overheads। कंपनी ने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर 1,20,400 की कॉस्ट सेव की है। द कंपनी शुड हैव स्पेंट 5,00,000 ये जहां पे ज्यादा एक्सपेंस किए हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है ज्यादा एक्सपेंस किया है, फेवरेबल का मतलब होता है सेव किया है। The company has overexpensed a cost of 1,20,400 in variable manufacturing overhead. The company should have spent 5,60,000 in variable manufacturing overheads to produce 2,28,00,000 units. उन्हें 28,00,000 यूनिट बनाने के लिए 5,60,000 के वेरिएबल ओवरहेड लगाने चाहिए थे, बट एक्चुअली दे स्पेंट 6,80,400 इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उन्होंने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 6,80,400 की कॉस्ट लगाई है टू प्रोड्यूस 28,00,000 यूनिट। 28,00,000 यूनिट बनाने में उन्होंने इतनी कॉस्ट लगाई है। दिस ओवर एक्सपेंसिंग हैज रिजल्टेड into unfavorable
variable manufacturing overhead variance. टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस, इसकी वजह से उनका जो टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है वो क्या आया है, अनफेवरेबल आया है बाय 128,400 की अमाउंट से। इस अमाउंट से उनका जो है वो ये वाला वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन तमाम वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप सो आप लोग जो है वो इन तमाम कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके अगले पार्ट की, कि वो वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Discuss the variances you have calculated and given possible explanation for them. ये मैं इस question number 3 का जो है वो आपको साथ साथ ही जवाब जो है वो देता गया हूँ, जो मैंने ऊपर जो है वो जितने भी calculate किए हैं। तो hope so आप लोग जब इन तमाम questions को समझ गए होंगे और उसको किस तरीके से आप address कर सकते हैं, answer कर सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो इसका बेहतर तरीके से आपको इसकी जो है वो अंदाजा हो गया होगा, और आप इसको अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको इंशाल्लाह जो है वो आप इसको कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो के उसी क्वेश्चन से रिलेट है, मीन कंटिन्यूएशन ऑफ 818 एक्सरसाइज है, और ये 819 एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरियंस एनालिसिस जो है वो देखेंगे। द फ्रेंच ब्रेड कंपनी है आल्सो एलोकेट्स फिक्स्ड ओवरहेड, जो होते हैं ना वो एलोकेट किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा था तो उसमें अंदर आपने FOH एप्लीकेशन की बात हुई थी, FOH अप्लाइड की जो बात की थी हमने, तो यहाँ पे भी FOH अप्लाइड की बात हो रही है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो FOH अप्लाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स, और उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। मीन जितने हम लोगों ने स्टैंडर्ड आवर्स अभी पीछे वाली कैलकुलेशन में किए थे उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। फॉर 2012 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज बजटेड 4 पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो उन्होंने कहा कि 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, ये उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड का रेट दिया हुआ है। एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉर 272,000, और एक्चुअल FOH जो उन्होंने बताए हैं वो है 272,000 के। अब प्रिपेयर एनालिसिस फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को जो है वो आपने एनालाइज करना है, और इज मैन्युफैक्चर अंडर एलोकेटेड और एलोकेटेड बाय व्हाट अमाउंट, ये भी हमने बताना है। तो पहले तो हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सवाल का जवाब जो है वो बताएंगे। तो मैं इस एनालिसिस को करने के लिए मैं आपके साथ जो है वो फिर उसी तरीके से चलें, इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 819, और उसमें हम लोगों ने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस करना है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस में बेटे हम लोग जो है वो इसी तरीके से दो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक वेरिएंस का नाम होता है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, इसी को ही हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और इसी का ही नाम फिक्स्ड, या इसी का ही नाम जो है वो हम लोग इसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का भी नाम देते हैं। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी इसी को ही कहते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी इसी को ही कहते हैं।
तो इसलिए आप लोग प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरियंस होता है, एक होता है सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, वो जब मैं सेल्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको उस वक्त उसमें करवाऊंगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरियंस, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं ना वो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड में आता है। यहाँ पे इसी को ही हम आइडल कैपेसिटी वेरियंस भी कहते हैं। अच्छा, अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटे, यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे बजटेड, आप समझ लो के बजटेड फिक्स्ड FOH माइनस अप्लाइड फिक्स्ड FOH, ये बजटेड फिक्स्ड FOH और अप्लाइड फिक्स्ड FOH का जो फर्क होता है इसको हम लोग FOH का जो फर्क होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पेंडिंग वेरियंस और एक्सपेंडिचर वेरियंस। अब बजटेड FOH क्या होते हैं, ये इसको हम लोग प्लैंड FOH भी कहते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड FOH फॉर एक्चुअल आउटपुट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड FOH अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी इसका नाम दिया जाता है, स्टैंडर्ड FOH अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट या फिर प्लैंड FOH या जिसको हम लोग बजटेड FOH या स्टैटिक बजटेड FOH भी कहते हैं। जब हम लोगों ने स्टैटिक बजट या फ्लेक्सिबल बजट का पार्ट पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ये किया था। और जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस होता है या वॉल्यूम वेरिएंस होता है वो बेटे फर्क होता है अप्लाइड FOH का और जो 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 आप समझ लो के नहीं सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ये वाला जो है वो आप ये फर्क होता है बेटे। अच्छा मैं इसको दोबारा से लिखता हूं यहाँ पे, ये मैं फॉर्मूला मैंने गलत लिखने जा रहा था। अच्छा यहाँ पे होता है बेटे एक्चुअल FOH और यहाँ पे दूसरा होता है बजटेड FOH जिसको हम लोग स्टैटिक बजटेड FOH भी कहते हैं और एक्चुअल FOH इधर होता है, इसी को ही हम लोग स्टैटिक बजटेड FOH को ही हम लोग प्लैंड FOH का भी नाम देते हैं, जो हम लोगों ने शुरू में प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर FOH जो भी आते हैं। और यहां पे एक तीसरा आता है जिसको हम लोग अप्लाइड FOH का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग एलोकेटेड का भी नाम देते हैं, एलोकेटेड और अप्लाइड FOH या फिर स्टैंडर्ड FOH फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड FOH फॉर एक्चुअल आउटपुट का भी नाम देते हैं। तो ये तीन फिगर बेसिकली हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरियंस एनालिसिस के अंदर। मैं इसके फॉर्मूलाज भी बताता जाऊंगा आप लोगों को और फिर उसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह 2:15 तक इसको बेटे हम खत्म कर देंगे। अच्छा जी, एक्चुअल FOH जो है वो होता है बराबर एक्चुअल फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स और ये होता है बजटेड, जो है ये बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स और ये होता है बेटे स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, जैसे हम लोग पहले भी कैलकुलेट करते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट।
अब एक्चुअल फिक्स्ड रेट और एक्चुअल फिक्स्ड रेट और एक्चुअल आर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट होती है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बजटेड एफओएच की कॉस्ट होती है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एफओएच अप्लाइड होते हैं, एफओएच अप्लाइड की कॉस्ट आ जाती है या स्टैंडर्ड एफओएच की कॉस्ट आती है। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड अप्लाइड की बेसिस के ऊपर, अप्लाइड स्टैंडर्ड की बेसिस के ऊपर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ये लिखते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम इसमें डाटा पुट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जी, उन्होंने हमें बताया है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आर 2,72,000, तो हम एक्चुअल एफओएच का रेट हमें नहीं दिया है लेकिन हमें टोटल अमाउंट दे दी गई है, तो हम टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। तो यह जी 2,72,000 की ये वाली अमाउंट दी गई है। अब स्टैंडर्ड एफओएच या फॉर बजटेड आर्स जो थे, तो स्टैंडर्ड रेट था 10, बजटेड आर्स जो थे जो हम लोगों ने शुरू में बिल्कुल निकाले थे, यहाँ पे आप जरा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास बजटेड आर्स थे 64,000 के, बजटेड लेबर आर जो हम लोगों ने 18 एक्सरसाइज में किए थे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ 18 है तो हम यहीं पे ये वाला डाटा, यहाँ पे यही वाला डाटा यूज करेंगे। तो ये 64,000 आर जो मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कैलकुलेट किए थे ये वही वाले आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको जो है वो वहां पे 64,000 को यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये है ये वो वेरिएबल वेरिएबल रेट जो है वो 64,000 आर्स हैं, लेकिन जो वेरिएबल रेट है बेटे वो यहाँ पे हमें जो गिवन है वह हम वो लिखते हैं। वेरिएबल रेट 10 नहीं है, ये फिक्स्ड रेट लिखना है। तो फिक्स्ड रेट यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि फिक्स्ड रेट जो है वो हमें जो बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो है जी 4 पर डायरेक्ट लेबर आर। ये 4 आर पर आर जो है वो रेट है, तो हम 10 की बजाय यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसी तरीके से 4 है, और स्टैंडर्ड आर्स अलाउड भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे, ये स्टैंडर्ड आर्स अलाउड 56,000, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 56,000 यहाँ पे भी लिख देंगे। ओके, अब आप जरा गौर करो, 2,72,000 तो ये आ गया, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 64,000 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ तो आ जाएगा जी 2,56,000। ओके, और जब आप लोग इसको 56,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2,24,000। अब आप इन दोनों का जब आप फर्क लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस, 272 का फर्क जब आप लेंगे 256 के साथ तो ये आ जाएगा जी 16,000। ये 16,000 है। अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? हमने कहा बजटेड थे हमारे पास 2,56,000, एक्चुअली हमने किए हैं 2,72,000, तो हमने एक्चुअल खर्चा ज्यादा किया है, तो इसलिए ये है अनफेवरेबल। और इसी लिहाज से जब हम लोग इन दोनों का फर्क लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। हमने 2,56,000 और 2,24,000 का जब हमने फर्क लिया तो 256 और 224 का जब हमने फर्क लिया तो ये आ जाएगा जी 32,000। ये 32,000 का हमारे पास जो ये फर्क आ गया। अब आप ये जो 32,000 है ये हम ये देख रहे हैं कि 2,24,000 के हमारे पास जितनी हमने प्रोडक्शन की है, जो हमने 28 लाख यूनिट बनाए हैं, उसके ऊपर जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आने चाहिए थे वो क्या है, 2,24,000। लेकिन आए जो है वो हमने जो स्टैटिक बजट किए थे वो कितने थे, 2,56,000। तो इसलिए हम लोगों ने 32,000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए हैं। जो हमारे पास 32,000 के रिसोर्सेज थे वो हम लोगों ने वेस्ट कर दिए हैं, हमने उसको प्रोडक्शन पूरी नहीं की है, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको क्या कहेंगे, ये अनफेवरेबल, ये भी हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी। जो वॉल्यूम है हमारा वो हमारा क्या है, अनफेवरेबल है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर लिखेंगे। और जब इन दोनों का जो इम्पैक्ट है टोटल निकालेंगे तो ये टोटल वेरिएंस आ जाएगा, और जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये भी अनफेवरेबल है, और ये आ जाएगा 48,000 का अनफेवरेबल। अब आप ये देखेंगे कि ये जो 48,000 है यही बेसिकली अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड है। हम कहते हैं अप्लाइड हमने किए हैं 2,24,000,
एक्चुअली आए हैं हमारे पास 272,000, तो हमने अप्लाई कम किए हैं किसके निस्बत, एक्चुअल की निस्बत से, तो इसलिए ये अंडर अप्लाइड है, ये अंडर अप्लाइड की फिगर है। और ये अनफेवरेबल अंडर अप्लाइड होता है, फेवरेबल ओवर अप्लाइड होता है। और आप जरा गौर करें यहाँ पे, अगर आप बेसिक डाटा पे, क्वेश्चन के डाटा पे जाते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने जो प्लान किए थे यूनिट्स वो थे 32 लाख, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने किया है 28 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 32 लाख की कैपेसिटी थी लेकिन हम लोगों ने 28 लाख यूज की है, तो 4 लाख यूनिट की जो कैपेसिटी है वो हमने यूटिलाइज नहीं की है, तो 4 लाख के यूनिट का जो वॉल्यूम था वो हमने इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो वेरियंस है वो अनफेवरेबल आ रहा है। हमारा जो वॉल्यूम वेरियंस है वो अनफेवरेबल है, बिकॉज हम लोग अपने वॉल्यूम से शॉर्ट रहे हैं, हम अपने वॉल्यूम पे पूरा नहीं पहुंच सके हैं। अगर हमारे पास बजटेड वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन होगा एक्चुअल वॉल्यूम से, तो हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है, आइडल कैपेसिटी है। हमने क्या किया है, जो बजटेड वॉल्यूम ज्यादा था, हमने बजट ज्यादा किए थे, हमने कहा था हम 32 लाख यूनिट बनाएंगे लेकिन हमने बनाए हैं 28 लाख यूनिट, तो कॉस्ट तो हमारी कम हुई है लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी को क्या कर लिया है, वेकेंट कर दिया है, जाया कर दिया है, आइडल छोड़ दिया है। तो जब हम अपनी जो है वो कैपेसिटी को आइडल छोड़ेंगे तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। दूसरी, अगर इसको समझना है तो हमने कहा कि अगर हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते 32 लाख के और उसमें हम लोग 32 लाख ही यूनिट बना रहे होते तो पर यूनिट पड़ता हमें 1 रुपया, लेकिन अगर हम 28 लाख यूनिट बनाएंगे लेकिन कॉस्ट तो रहेगी 32 लाख ही, क्योंकि हमने एक्चुअल एफओएच जो है वो फिक्स्ड एफओएच वो तो वही रहने हैं, जो सॉरी बजटेड एफओएच वो तो वही रहने हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉस्ट 1 point something होगी। ये 1 point जैसे मैं 32 / 28 करता हूँ तो ये आ जाएगा जी 1.14, ये मेरे पास आ जाएगा 1.143 जो है, ये मेरे पास जो है वो बजटेड कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने प्लान की थी अपनी सारी के सारे रिसोर्सेज वो किए थे 32 लाख यूनिट के लिए, लेकिन मैंने एक्चुअली बनाए हैं 28 लाख यूनिट, तो उसकी वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैं जब कम काम करूंगा, कम कैपेसिटी को यूटिलाइज करूंगा तो मेरी फिर पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करेगी, जो कि अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो याद रखिएगा बेटे, क्योंकि ये वाली फिगर जो होती है या ये वाला वेरियंस है, ये होता है बजटेड वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम के फर्क के तहत। अच्छा, या फिर दूसरी बात क्या होती है, ये होती है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और यहाँ पे होते हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये दोनों ही बजटेड हैं, ये होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं बजटेड ऑन एक्चुअल, ये बजटेड ऑन एक्चुअल होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे ये दोनों का जो फर्क आता है, अगर आप इस फॉर्मूला को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स रेट बजटेड आर्स और स्टैंडर्ड आर्स, इन दोनों में से स्टैंडर्ड फिक्स रेट कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स रेट इंटू बजटेड आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स, ये वाला फर्क आता है। तो आप बजटेड आर्स अगर ज्यादा होंगे स्टैंडर्ड आर्स से, बजटेड आर्स अगर ज्यादा होंगे स्टैंडर्ड आर्स से, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी को जाया किया है। और अगर बजटेड आर्स कम होंगे स्टैंडर्ड आर्स से, मीन हमने एक्चुअल ज्यादा प्रोडक्शन की है और बजटेड आर्स हमने कम किए थे, हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है, ज्यादा यूनिट बनाए हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये एक फेवरेबल सिचुएशन आएगी, हमने अपने वॉल्यूम को एक्स्ट्रा यूज किया है, एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है अपनी कैपेसिटी को, तो ये हमारे पास जो है वो फेवरेबल सिचुएशन आएगी। तो इस तरीके से आप इस वाले के एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इन तमाम चीजों की। तो बाकी चीजें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर मजीद इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और आपको मजीद इसको एलैबोरेट या समझाने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल जो है वो बहुत आसान है,
और जो फिक्स्ड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग दोबारा से इंशाल्लाह इसको भी इसके ऊपर और भी जो है वो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको जो है जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।